हेलो एवरीवन, आज है 7th of February और आज के द हिंदू के पेज नंबर 1, पेज नंबर 7 और 12 में आपको एक न्यूज़ मिलेगा जो कि है UCC। आज हम समझेंगे ये UCC क्या है, उत्तराखंड में ये लागू होने वाला है, क्या इसके पहले भी कोई ऐसा राज्य है जहां पर UCC ऑलरेडी है या लागू होने वाला है, क्या होंगे बदलाव और क्या है इसके फायदे। तो आइए जानते हैं, इस टॉपिक को हम समझते हैं। उत्तराखंड टेबल्स यूसीसी बिल इन असेंबली। उत्तराखंड एक राज्य है हमारे देश में और बहुत समय से ये बात चल रही थी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाले हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये लागू करने वाले हैं। तो डिस्कशन क्या है? डिस्कशन ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। सामान्य नागरिक संहिता। आप जानते हैं कि हमारा देश डाइवर्सिटी पूर्ण है, यानी कि बहुत सारी विविधताएं हैं। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, हर धर्म के लोग हमारे देश में पाए जाते हैं। इनके अपने अपने कुछ पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जैसे शादी करने की जो पूरी विधि है, एडॉप्ट बच्चा एडॉप्ट करने का, संपत्ति, तलाक देने की विधि, सब कुछ अलग है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे तो मुस्लिम में ट्रिपल तलाक था, जिसे आपको पता है कि हमारे देश में बैन कर दिया गया है, ट्रिपल तलाक को ख़त्म कर दिया गया है। या फिर अगर प्रॉपर्टी की बात हो तो एक हिंदू महिला 50-50% ले सकती हैं। एक एकड़ ज़मीन है तो आधा एकड़ उनके भाई का हो जाएगा, आधा एकड़ उनका हो जाएगा। हिंदू महिला के पास ये राइट है, लेकिन मुस्लिम महिला के पास ये अधिकार नहीं है। वो भाई का भी आधा यानी कि 25% ही प्रॉपर्टी ले सकती हैं। अगर हम ट्राइबल क्षेत्र की बात करें तो गाड़ो एक ऐसा ट्राइब है जहां पे महिलाओं को, जो सबसे बड़ी महिला होती है फैमिली की, उनके नाम पे सारा प्रॉपर्टी होता है। लेकिन हम संथाल या कोल ट्राइब की बात करें तो उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमें समझ में आया कि हमारे देश में एक सिंगल कानून नहीं है। हमारे देश में क्या है कि सभी धर्म समुदाय के पास विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि के लिए अलग अलग कानून पहले से प्रस्तुत मौजूद है। अब हम चाहते हैं कि ये सब कुछ सबके लिए एक कानून आ जाए। इस बात को समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, दो लोगों का ओपिनियन अलग है। DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें आर्टिकल नंबर 44 को अगर हम देखें तो 44 में यूसीसी की बात की गई। जब हमारा संविधान बन रहा था, जब संविधान सभा था, तो के एम मुंशी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इसे फंडामेंटल राइट में डाल देना चाहिए। के एम मुंशी साहब ने कहा कि हमें इसे फंडामेंटल राइट में डाल देना चाहिए और सभी के पास यूसीसी होना चाहिए, है ना। लेकिन बी आर अंबेडकर जी ने कहा कि नहीं, अगर हम यूसीसी की बात करते हैं तो ये कंसेंट से आना चाहिए, कंपल्शन नहीं बनाना चाहिए। कंसेंट नॉट कंपल्शन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि हमारे देश में एक कंसेंट होना चाहिए और कंपल्शन नहीं होना चाहिए। जिसके बाद हमने इसको डीपीएसपी में डाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होते हैं डीपीएसपी? कि जब हमारे पास वो सारे संसाधन मौजूद होंगे जिसमें हम सबको बराबर अधिकार, बराबर जितने भी हमारे पास संसाधन है उसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली कर पाएंगे, तो हम इसे लागू करेंगे। तो डीपीएसपी में स्टेट इसे तब लागू करेगा। कहा जा रहा है कि शायद अब समय आ चुका है, नाउ द टाइम हैज कम। उत्तराखंड कहता है कि हमारे राज्य में ये टाइम आ चुका है कि हम यूसीसी को लागू करें। हम चाहते हैं कि सभी धर्म समुदाय के लोगों के पास एक प्रॉपर, एक ही इक्वल कानून हो, और आर्टिकल नंबर 44 में तो संवैधानिक दर्जा ऑलरेडी है कि ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, पहले से ये बताया गया है। आर्टिकल नंबर 37 कहता है कि डीपीएसपी में दिए गए प्रावधान नॉन जस्टिकेबल, नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी कि ये न्याय संगत नहीं है, या किसी भी अदालत, कोई भी अदालत इसके लिए कानून लागू नहीं कर सकता है। लेकिन समय समय पे हम क्या करते हैं, डीपीएसपी से उठा के चीजों को फंडामेंटल राइट में डालते हैं। जैसे कि आपने एजुकेशन के बारे में पढ़ा है कि 6 से 14, अब वो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। तो जब हमारे पास संसाधन हो जाएगा तो क्यों ना हम ऐसा करें, जिसके तहत इसको अब बोला गया है कि उत्तराखंड में ऑलरेडी ये आएगा।
क्या उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य है? अगर हम इंडिपेंडेंट भारत की बात करें, स्वतंत्र भारत की बात करें, तो हाँ उत्तराखंड ऐसा करने वाला पहला राज्य है। अभी तक इंडिपेंडेंट, जब से भारत आजाद हुआ है, तब कोई राज्य ने इसे नहीं किया है। लेकिन इसके पहले क्या था? ये गोवा में ऑलरेडी से था, पहले से था। गोवा में जो पोर्तुगीज जब थे गोवा में, तो पोर्तुगीज सिविल कोड है 1867 का, और जब गोवा का लिबरेशन हुआ, जब गोवा आजाद हुआ 1961 में, तो उसके बाद भी इसमें यूसीसी जो है वो चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें चल रहा है। गोवा में पहले से ये है, गोवा एक्सेप्शन है। क्यों जरूरत है? जरूरत है क्यों? इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए। अगर कोई ऐसा धर्म है जिसमें किसी के साथ ईविल है या गलत चीजें हो रही हैं, तो हम उसे खत्म करें। आपको लग रहा होगा कि नहीं, इससे धर्म पर किसी भी तरह का खतरा है? इससे धर्म पर खतरा नहीं है। अब आप ऐसा सोच लीजिए कि आर्टिकल नंबर 17 छुआछूत के खिलाफ है। हम जान रहे हैं कि वेदों के समय में हमारे देश में वर्ण थे, और कुछ लोगों के साथ, कुछ ऐसे जैसे शूद्र जाति के लोगों के साथ छुआछूत का व्यवहार होता था। क्या हमने जाकर लोगों से पूछा कि इसे हटाएंगे तो आपके धर्म पर किसी तरह का खतरा है? नहीं, हमने समझा कि ये एक ईविल है, ईविल ऑफ द सोसाइटी है, और इसे खत्म करना जरूरी है। इस कारण से छुआछूत को एबॉलिश किया गया। जब हमने टाइटल्स की बात की, जमींदार, राय बहादुर, ऐसे ऐसे टाइटल्स अंग्रेज देके गए, तो हमने बोला कि नहीं, हम टाइटल्स नहीं रखेंगे। क्या हम जाकर एक एक धर्म से पूछ रहे थे कि अगर आपका हम टाइटल हटा देंगे तो कहीं आपके धर्म पर कोई किसी तरह का खतरा तो नहीं है? हमें पता है कि ये ईविल है, ये डिस्क्रिमिनेशन लाता है, ये भेदभाव लाता है, तो हमें इसे अपने सोसाइटी से हटाना है। उसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जान रहा है कि जब आपके एडॉप्शन में, इनहेरिटेंस में, मैरिज में, डिवोर्सेस में किसी एक वर्ग के साथ गलत हो रहा है, तो क्यों ना सबके लिए हम बराबर कानून लेकर आ जाए। इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये है कि ऐसा ना हो कि हिंदू कोड बिल को ही डाल दिया जाए। जब हम हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें सिर्फ हिंदू ही हैं। जब आप हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, तो सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये सब आते हैं। इस बात को आप समझेंगे। जब हम हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, तो हिंदू में सिर्फ हिंदू नहीं आते, लेकिन सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये भी हिंदू कोड बिल के अंदर ही आते हैं। ये भी हिंदू कोड बिल से ही अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, राइट? तो ये इसके फायदे हैं। फायदे क्यों हैं? क्योंकि हमें समानता देखनी है, हमें आर्टिकल नंबर 14 देखना है, इक्वालिटी देखना है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आ जाएगा कि ठीक है, आप समानता देख रहे हैं, आपको हमेशा ये देखना है कि बराबर हो, लेकिन व्हाट अबाउट आर्टिकल नंबर 19 कि हम अपना एक्सप्रेशन, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, धर्म में जो भी चीजों की प्रैक्टिसेस है उसको हम एक्सप्रेशन के तौर पे ले रहे हैं। या व्हाट अबाउट आर्टिकल नंबर 25, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि धर्म का अधिकार, क्या हमारे पास धर्म का अधिकार है? क्या हमारे पास धर्म का अधिकार है आर्टिकल नंबर 25 कि धर्म, हम अपने धर्म में प्रोफेस करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, कि हम अपने आप को जिस तरह से यहां पे एक्सप्रेस करना चाहें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। लॉ कमीशन कहता है कि ये जरूरी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, लेकिन शायद अभी भारत में वो टाइम नहीं आया है। लोगों को इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अपनी राय रखनी पड़ेगी। जहां तक उत्तराखंड की बात है, इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सी आ रहा है। 2.9% यहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, जनजाति हैं, उनका कहना है कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया है, अभी उनको एक्सेप्शन में रखा गया है। माइनॉरिटीज, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहां पे, उनके भी कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का एक गार्जियन होता है, गवर्नमेंट, उनका काम है कि अपने सारे बच्चों को वो इक्वालिटी के साथ रखें, और साथ ही साथ उनकी बात सुने, उनकी राय विचार समझें, और तभी कानून को ये आगे लेकर आए। क्रिटिसिज्म इसका यही है, जैसे हमने डिस्कस किया, आर्टिकल नंबर 25 है, आर्टिकल नंबर 19 है, तो ये सारे क्रिटिसिज्म है जिसे हमें अभी टेक ऑफ करना पड़ेगा और डिस्कस करना पड़ेगा, राइट? एक और इसमें कंट्रोवर्सी आती है कि उत्तराखंड ऐसा बिल लेकर क्यों आ सकता है, उत्तराखंड ऐसा बिल लेकर कैसे आ सकता है। आर्टिकल नंबर 162 में बताया गया है कि स्टेट लॉज, जो स्टेट के जो कानून होते हैं, और वे कंकरेंट, जैसे ये जितने भी टॉपिक्स हैं, मैरिज, डिवोर्स, ये सब कंकरेंट यानी समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची में होने के कारण स्टेट भी इन पर कानून बना सकता है। तो होपफुली आज के द हिंदू का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर है, और आप इस पे आंसर लिख सकते हैं कि यूसीसी क्या है, क्या भारत यूसीसी को लाने के लिए तैयार है। थैंक यू।